वाडाट सुंदरनगर कोहका में हुए चंद्रशेखर ठाकुर की हत्या के मामले में विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर अध्यक्ष राजीव चौबे अपने साथी गणों के साथ मामले में हो रही पुलिसिया कार्रवाई का संज्ञान लेने पहुंचे। जहां चर्चा के दौरान पुलिसिया कार्रवाई में अपनी संतुष्टि जाहिर की, तो वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान शहर में हो रही लगातार ऐसी वारदातों के लिए पूरे प्रदेश भर में देर रात संचालित हो रहे कुछ आपत्तिजनक व्यवसायों को कारण बताया और प्रदेश में बढ़ते नशे के व्यापार को भी जिम्मेदार बताते हुए चिंता जताई। विश्व हिंदू परिषद के भिलाई नगर अध्यक्ष राजीव चौबे के साथ दुर्ग जिला उपाध्यक्ष ठाकुर निहाल, जिला संयोजक रोहित दुबे तथा बजरंग दल के कार्याध्यक्ष पारख जंगेल भी शामिल रहे। मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर पंडित दीनदयाल सरोवर स्मृति नगर में कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठने की बातें यहां पर कही गई। देखिए, कोहका में जो चंद्रशेखर ठाकुर नामक युवक की हत्या हुई, उनके भाई मेरे साथ आए हैं। हम पुलिस चौकी में आए थे जानकारी लेने के लिए कि किस प्रकार जांच चल रही है। अभी तक 3 लोगों के बयान हुए। हमारा निवेदन था कि इनके बहन और इनके भाभी जो चश्मदीद गवाह हैं, उनके भी बयान लिए जाए। और आस पड़ोस के जैसे कोई भी अगर और भी जो चश्मदीद गवाह रहे होंगे, उनके भी बयान शामिल किया जाए। तो चौकी प्रभारी ने जिस प्रकार बताया कि जो कार्रवाई हो रही है, उससे हम पूर्णतः संतुष्ट हैं, क्योंकि 2 चश्मदीदों का और बयान ये ले चुके हैं और इनकी बहन और इनकी भाभी का भी बयान शेष है, वो लिया जाएगा। ये बता रहे हैं कि अभी विवेचना जारी है, विवेचना वो खत्म नहीं हुई है। 2 अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको आज एक न्यायालय भेज रहे हैं। मुख्य रूप से जो घटना घटित हुई, इसका कारण ये था कि एक लड़का और एक लड़की कुछ अभद्र अश्लील हरकतें कर रहे थे इनके घर के दरवाजे पे, जिसको रोकने का प्रयास इन्होंने किया। इनके साथ मारपीट चालू हुई, तब इनके भाई इनको बचाने के लिए आए, तो ये तो बेचारे नीचे गिरे हुए थे, एक तरफ रह गए, और इनके भाई को इस बुरी तरह से पीटा गया कि उनकी उनकी हत्या हो गई, उनको जान गंवानी पड़ी। हमारा कहना ये है कि जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, जो अपराध हो रही है, अभी हम कुर्सी पार थाने से आ रहे हैं, वो जो मलकीत सिंह की जो हत्या हुई, उसको देख के उनके विरोध में हम अपना समर्थन दर्ज करके आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का। हमारा तो एक ही कहना है कि इन समस्याओं, इन घटनाओं के, इन निरंतर बढ़ते अपराधों के मूल में जाना अत्यंत आवश्यक है। और यदि आप इसके मूल में जाएंगे तो देखेंगे भिलाई शहर में नशे का बढ़ता हुआ कारोबार और देर रात तक नशे के व्यापार के केंद्रों का खुला रहना और युवा वर्ग का हुजूम, जो रात को 12-1 बजे तक दुकानें खुली रहती है। आप ये स्मृति नगर मेरा देख लीजिए, ये चौकी के 100 मीटर के अंदर अंदर कम से कम 5 दुकानें ऐसी हैं, 5 होटल्स हैं, चाय का अड्डा तो ये ढाबा तो वो ढाबा तो ये ठेला तो वो ढोला, ये रात को 1-1 बजे तक खुले रहते हैं और युवाओं का, युवक युवतियों का जो हुजूम है वहाँ लगे रहता है। निश्चित रूप से ये नशा कर रहे हैं, और नशा करने के बाद एक तो कैनरा बैंक के बाजू में हमारी जो खाली जगह है, आप देखिए कि उस सड़क नंबर 27 के जो रहवासी हैं, वो वहाँ से ना गुजर के मध्यांचल मार्ग से घूम के पीछे से अपने घर जाते हैं, क्योंकि कैनरा बैंक के बाजू में कार खड़े करके उसके ऊपर ग्लास रख के खुलेआम शराबखोरी शाम 7 बजे से चालू हो जाती है, जो रात को 1 बजे तक चलती है। तो इस प्रकार की यदि पूरे शहर में 150 अड्डे रहेंगे जहाँ देर रात तक लोग नशा करेंगे, तो ऐसी आपराधिक घटनाएँ तो होती रहेंगी। तो इसके विरोध, किस तरह की मांग कर रहे हैं, मांग लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में कसावट की मांग है मात्र, हमारी इससे ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। देर रात खुले रहने वाली दुकानों को बंद किया जाए, नशे के कारोबार को नियंत्रित किया जाए, नशा करते हुए युवक युवतियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। हमारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कल से ये सामने ही इस मुख्य मार्ग पर दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के सामने हम भूख हड़ताल पर, क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। प्रतिदिन एक कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर रहेगा, शेष समर्थन में उनके साथ बैठेंगे। जब तक प्रशासनिक व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में कसावट नहीं आ जाती और देर रात तक खुले नशे के केंद्र बंद नहीं हो जाते, नशे के कारोबार को नियंत्रित नहीं कर लिया जाता, तब तक हम निरंतर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, चाहे वो वर्ष पर्यंत चलता रहे। ये जब तक इनका यह सब कार्यक्रम चलता रहेगा, कानून व्यवस्था जब तक बिगड़े रहेगी, तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे।